दोस्तों, नीतीश कुमार ने आखिरी वक्त पर ऐसा खेला किया है कि मोदी और शाह दोनों फंस गए। बजट से पहले ही इंडिया गठबंधन में अपनी जगह को सेट कर लिया है। जी हां, ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और सबूतों के साथ कह रहा हूं। जी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड अब चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। वैसे तो ये खबर बड़ी अटपटी सी है, लेकिन ये सच खबर है और इस खबर ने पटना से लेकर दिल्ली तक सबको हिलाकर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। देखिए, नीतीश कुमार के लिए कहावत है, वो कब कहां कैसे पलट जाए पता नहीं। वो बयान देते रहे कि हम आपके साथ हैं, हम ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, आप ही के साथ रहेंगे, तमाम बातें। ये मोदी जी भी जानते हैं, शाह बाबू भी जानते हैं, बीजेपी के तमाम नेता जानते हैं और तो और खुद जनता दल यूनाइटेड के नेता जानते हैं। कुछ पता वता नहीं है कि आज मन उखड़ गया तो कल ही सारी की सारी कैबिनेट को इस्तीफा दिला देंगे, झोंपी आएंगे राज्यपाल को जाकर अपना इस्तीफा और फिर यानी तेजस्वी यादव आरजेडी के साथ सरकार बना ले। कुछ अता पता नहीं है, यही एक वजह है जिसके चलते नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं कर रहे थे। और देखिए, उन्होंने दगा दे दिया है। जी हाँ, दगा कहें गच्चा कहें क्या कहेंगे ये आप तय करिएगा। कुल मिलाकर सबसे पहले मैं सबूत दर सबूत दिखाने जा रहा हूं। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इस तस्वीर में आपने नीतीश कुमार को तो पहचान लिया होगा, लेकिन नीतीश कुमार के बिल्कुल बगल में जो खड़े हैं उनको शायद आप ना पहचाने, लेकिन मैं बताता हूं वो कौन है। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे, झारखंड में इनका अच्छा खासा वजूद है। इन्होंने रघुवर दास जैसे बीजेपी के दिग्गज नेता को हराया। दरअसल 2019 तक ये बीजेपी के नेता थे, इनका नाम है सरयू राय। 2019 में इन्होंने बीजेपी को अलविदा कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि ये मोदी शाह की रणनीतियों से, उनकी नीतियों से खुश नहीं थे। ये बीजेपी के कट्टर समर्थक रहे, लेकिन 2019 में मोदी शाह से रुष्ट होकर, परेशान होकर या जैसे भी करके इन्होंने अलविदा कह दिया। उसके बाद इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और बीजेपी के दिग्गज नेता रघुवर दास को हरा दिया। उसके बाद इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, भारतीय जनता मोर्चा। अब जब चुनाव का दौर आया है झारखंड में, क्योंकि आखिरी इस साल के आखिर में होने वाले हैं महाराष्ट्र में, हरियाणा में और झारखंड में, तो झारखंड में सरयू राय JMM के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये बात स्पष्ट हो रही है। लेकिन एक तरफ उन्होंने हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, यानी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड JMM के अध्यक्ष, और दूसरे कल्पना सोरेन जो उनकी पत्नी है हेमंत सोरेन की, उनसे मुलाकात की। उसके 72 घंटे के भीतर उन्होंने सियासी हालात बदल कर रख दिए। ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, इसको खुद सरयू राय ने लिखा और जो लिखा उसे पढ़िएगा। पटना मुख्यमंत्री निवास में नीतीश कुमार के साथ भेंट हुई, झारखंड विधानसभा के चुनावों को लेकर यह बात हुई है। झारखंड विधानसभा के आगामी चुनाव में हमारी संभावित भूमिका के बारे में संक्षिप्त परंतु फलदायक चर्चा हुई, साथ में झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने पर सहमति बनी। शेष चुनावी औपचारिकताओं पर जनता दल यूनाइटेड नेतृत्व शीघ्र निर्णय लेगा। यानी कि इन्होंने 13 तारीख को मुलाकात कर ली, ये 48 घंटे बाद मुलाकात है। उससे 48 घंटे पहले यानी 13 जुलाई को जब इन्होंने मुलाकात की, उससे 2 दिन पहले यानी 11 जुलाई को इन्होंने हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से भी मुलाकात की थी। वो भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले इसे समझ लीजिए क्या खेल है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का कई राज्यों में वजूद ही नहीं, ये बात मैं लगातार कह रहा हूं। परिवार तोड़वा लो इनसे, सांसद तोड़वा लीजिए, विधायक तोड़वा लीजिए, उसी आधार पर ये सरकार बनाते हैं। जगह बता देता हूं, महाराष्ट्र में आ जाइए, कोई वजूद नहीं है। आप अच्छा लगे या बुरा लगे, सच है, अगर इनके साथ कोई सहयोगी पार्टी ना हो तो ये अपने दम पर चुनाव जीतना छोड़िए, पर्याप्त सीटें नहीं ला पाएंगे। ये दूसरी पार्टी के वोटों, उनके वोटर्स की बदौलत ही अपने विधायकों को, अपने सांसदों को जितवा पाते हैं। तो ये खेल है। ऐसे ही हालात है बिहार के अंदर, इनका कोई संगठन मजबूत नहीं है, कोई बड़ा नेता बता दिए। सम्राट चौधरी तो अभी अभी आए हैं, वो भी दूसरी पार्टी से आए, आरजेडी से। इसलिए मतलब सुशील मोदी के बाद आपने कोई बहुत बड़ा नेता का नाम नहीं सुना होगा जो बीजेपी की कमान संभाल ले। आप रविशंकर प्रसाद कह सकते हैं, राजीव प्रताप रूडी कह सकते हैं, गिरिराज सिंह कह सकते हैं, अश्विनी चौबे कह सकते हैं, लेकिन वो उस स्तर के नेता नहीं है। बिहार में बहुत बड़ा वजूद नहीं है, वो अपने अपने इलाके के नेता है बस। तीसरा है झारखंड का, जो मैं जिक्र कर रहा हूं, झारखंड में भी इनका कोई वजूद नहीं है। इसीलिए आपने देखा झारखंड में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इनको एक सहारे की जरूरत थी। वैसे तो इनके साथ है बीजेपी के साथ ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, NDA में शामिल है, लेकिन उसका भी एक ऑरा है बस थोड़े इलाके में। ऐसे में कैसे वहां सरकार बनेगी, इसके लिए इन्हें JMM की जरूरत थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की। इसलिए लगातार जांच का डर दिखाकर, लालच दिखाकर हेमंत सोरेन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हेमंत सोरेन ने आखिरी वक्त तक कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। सरकार गिराने की कोशिश की, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करा लिया। झारखंड चूंकि आदिवासी बाहुल्य इलाका है, तो एक संदेश आदिवासियों तक गया कि उनके आदिवासी मुख्यमंत्री को BJP ने गिरफ्तार कराया। ऐसे में झारखंड में हालत खराब हो गई इनकी। अब क्या है, इन्हें जरूरत थी कम से कम जनता दल यूनाइटेड थोड़ा बहुत असर, बिहार और झारखंड चूंकि पहले एक ही हुआ करते थे तो थोड़ा बहुत रखता है, तो उसी के साथ लड़ेंगे, लेकिन उसने भी झटका दे दिया है।
यानी भारतीय जनता मोर्चा, जिसके संपर्क जेएमएम से है, और जेएमएम चूंकि कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में है, तो कुल मिलाकर जनता दल यूनाइटेड इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही है। सीधे सीधे बिहार में खेल नहीं कर रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश और झारखंड में खेल करके एक सीधा संदेश मोदी शाह को नीतीश कुमार ने पहुंचा दिया। जो मैं तस्वीर का जिक्र कर रहा था, ये तस्वीर देखिए, बीच में सरयू राय खड़े हैं। ये मुलाकात 11 जुलाई को हुई थी, और हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन को आप देख ही सकते हैं। इसे लिखा है बिहार झारखंड न्यूज नेटवर्क ने, क्या लिखा, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन एवं विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन से आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में विधायक श्री सरयू राय ने औपचारिक मुलाकात की। इस मुलाकात के फौरन बाद ये दो दिन बाद उड़कर पहुंचते हैं पटना। पटना में नीतीश कुमार के साथ डील फाइनल कि झारखंड में हम और आप मिलकर लड़ेंगे। यानी भारतीय जनता मोर्चा किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करने जा रही है, वरना आप सरयू राय का ट्विटर हैंडल उठाकर देख लीजिए, ये दिन भर कोसते हैं बीजेपी को, उनकी खामियां, उनके हरकतों को उजागर करते रहते हैं। कुल मिलाकर ये इंडिया गठबंधन के साथ हैं, और ये इंडिया गठबंधन के साथ हैं, ये सूत्रधार के तौर पर है। सीधे सीधे हेमंत सोरेन, सीधे सीधे कांग्रेस, और सीधे सीधे कोई भी विपक्षी मोर्चा जो इंडिया गठबंधन में शामिल है, वो किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार से बात नहीं कर रहा, क्योंकि नीतीश कुमार का पता नहीं है कि क्या हो जाए। ऐसे में एक सूत्रधार के तौर पर इनको रखा गया है कि भाई आप जाइए, आप जाकर बात करिए। सरयू राय ने कहा मैं बात कर लेता हूं, इंडिया गठबंधन में लेकर आता हूं नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार जानते हैं झारखंड में अगर उन्हें अपने पैर जमाने हैं तो बीजेपी से पल्ला जुड़ाना होगा, बीजेपी का वजूद नहीं है। मैं ये भी आज पूरे उसके साथ कह रहा हूं, जिम्मेदारी से, कांग्रेस भी बीजेपी से ज्यादा ताकतवर है झारखंड के अंदर कांग्रेस, लेकिन उतनी नहीं है जितनी झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जितनी भारतीय जनता मोर्चा है, जितना ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन एक अपना ओरा है उसका। ऐसे में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को जरूरत पड़ेगी गठबंधन की। जेएमएम ने तो कट्टरता से अपनी गठबंधन निभाया, देख ही लिया सबने, जेल जाने से नहीं डरे हेमंत सोरेन, माना बड़े बड़े डर जाते हैं। कुल मिलाकर सरयू राय एक पुल का, एक ब्रिज का काम किया नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन के बीच। खबर यह है कि इंडिया गठबंधन से मुलाकात हो गई है। खबर भी पहले पढ़ दूं, एबीपी न्यूज ने छापा, झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टेंशन बढ़ाएंगे नीतीश कुमार, मुलाकात की तस्वीर से उठे सवाल। ये तस्वीर सामने आती है, हड़कंप मच गया। अब आप कहेंगे क्यों आएंगी, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल पिछले 2-3-4 जून के बाद और शपथ के बाद 3-4 चीजें घटी। पहला क्या कि इन्होंने 4 कैबिनेट मंत्री पद मांगे, नहीं मिले, एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री। इन्होंने कृषि रेल दीजिए, नहीं दिया। स्पीकर भी जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी का नहीं हुआ। उसके बाद क्या है कि अपनी ही पार्टी में अपने मनपसंद नेता को ये कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बना पाए नीतीश कुमार। दबाव था बीजेपी का कि पार्टी टूट जाएगी, देख लेना, तो उस हिसाब से संजय झा को बनाया, जो है तो जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद, लेकिन सब जानते हैं वो अमित शाह और बीजेपी के करीबी हैं, मोदी के करीबी हैं। ऐसे में मनीष कुमार वर्मा को वो ना बनवा पाए और बनाया संजय झा को, इस बात को लेकर नाराज है। अब उन्होंने पूरी तरीके से नीतीश कुमार ने बीजेपी को फंसा दिया है कि 23 जुलाई को बजट में हमें विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज चाहिए ही चाहिए। इन सब के बीच वो जानते हैं ये मिलना बहुत मुश्किल है, विशेष पैकेज मिलेगा वो भी कटकटा के। तो ऐसे में उन्होंने इंडिया गठबंधन में अपनी संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी है। खबर ये है कि ये तस्वीर भर नहीं है, ये साफ साफ संदेश है कि पलटने जा रहे हैं नीतीश कुमार। नमस्कार।